लीजिए सर अब क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड है रिक्वायरमेंट uh, तो खैर काफ़ी सिंपल है जो बेसिक वेरिएंस एनालिसिस होता है वो उसने आपसे पूछा हुआ है सेल्स के वेरिएंसेस पूछे हुए सेल्स का प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंस मटेरियल के वेरिएंसेस पूछे हैं जी मटीरियल का प्राइस और यूसेज लेबर का रेट और एफिशेंसी फिक्स्ड ओवरहेड्स के दो वेरिएंसेस एक तो ओवरहेड का स्पेंडिंग जिसको आप एक्सपेंडिचर भी बोलते हो और वॉल्यूम वेरिएंसेस ठीक है जी और फिर एंड पे वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस यानी कि ये पांच टोटल वेरिएंसेस हैं और हर एक के सब एनालिसिस उसने आपसे दो दो पूछे हुए हैं तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं डाटा देखते हैं किस तरह का है कह रहा है कि एस एल हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा फॉर द ईयर एंडेड इकत्तीस दिसंबर दो हजार तेईस ठीक हो गया सर स्टैंडर्ड और एक्चुअल डिटेल्स उसने आपको दे रखी हैं प्रोडक्शन एंड सेल्स की आ, वो सर दस हज़ार और ग्यारह हज़ार है इसी तरह से सेल्स रेवेन्यू स्टैंडर्ड और एक्चुअल दिया हुआ है टोटल वैल्यूज में मटेरियल लेबर और इसी तरह से ओवरहेड्स के जो दोनों कैटेगरीज हैं फिक्सड और वेरिएबल ओवरहेड्स टोटल टोटल में उसने आपको प्रोवाइड कर दी हैं फिर मजीद क्या कह रहा है एज़ पर स्टैंडर्ड ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स टेन के जी ऑफ मटीरियल एंड टू लेबर तो ये तो सर उसने ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में ये दो चीज़ें होती हैं मटेरियल और लेबर के हवाले से यूटिलाइजेशन की मद में वो उसने बता दी कि एक यूनिट बनाने में 10 के जी इस्तेमाल होते हैं और दो घंटे इस्तेमाल होते हैं लेबर के मजीद क्या कह रहा है कि आप एब्जॉर्प्शन किस बेस पे करते हो एट अ प्री डिटर्मन रेट बेस्ड ऑन लेबर और यानी प्री डिटर्मन रेट पर लेबर और यानी लेबर और बेस पर ओवर की एबजॉर्पन होती है बिल्कुल ठीक है जी मजीद क्या कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक एनालिसिस कंडक्ट किया है ऑन द वेरिएशन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स एंड आइडेंटिफाइड दैट ऑन द कॉस्ट साइड अ पॉजिटिव डेवलपमेंट वाज ऑब्जर्वड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स व्हिच सॉ टेन परसेंट रिडक्शन इन प्राइसेस कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स तो वो कह रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक एनालिसिस किया है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड फिगर्स का कॉस्ट की मद में और उन्होंने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है किसके हवाले से प्रोक्योरमेंट यानी परचेज ऑफ मटेरियल्स के हवाले से कि सर जो एक्चुअल प्राइसेस थी वो 10 फीसद कम थी स्टैंडर्ड प्राइसेस से मटेरियल की ठीक हो गया कन्वर्सली लेबर कॉस्ट डिड नॉट फॉलो दिस ट्रेंड एंड इन स्टेड एक्सपीरियंसड परसेंट इंक्रीज ओवर द स्टैंडर्ड रेट्स इंडिकेटिंग हायर एक्सपेंस इन दिस एरिया वो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड लेबर के साथ उलट हुआ वहाँ पर जो एक्चुअल रेट्स थे लेबर के वो आठ फ़ीसद से इंक्रीज़ हो गए इन कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड दैट इट इसके अलावा कोई चीज़ मैंशन नहीं है बाकी टोटल टोटल फिगर्स तुम्हें ऊपर नजर आ रही हैं इंटरेस्टिंगली जिस सवाल की तरफ मैं इशारा कर रहा था शुरू में जब मैंने ये पूरे का पूरा जो पेपर है इसका एनालिसिस किया था और मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको कि पहले पंद्रह मिनट किस तरह से इस्तेमाल करने हैं तो तब मैं जब इस सवाल का जिक्र कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ये औरिजनली किसी सी ए फाइनल के सवाल की कॉपी है तो अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ गालिबा वो सवाल 2009 में टेस्ट हुआ था सीए फाइनल के लेवल पे उसका नाम था ए मैक्स लिमिटेड बिल्कुल इसी तरह से आई कैप का जो सीए फाइनल का एग्जामिनर था उसने टोटल टोटल फिगर्स दी हुई थी यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड या बजट लिखा हुआ था यहाँ पे उसने एक्चुअल लिखा हुआ था नीचे टोटल टोटल वैल्यूज दे रखी थी सिर्फ फर्क यह था कि उसने यूनिट्स नहीं दिए थे वो आपने उस सवाल में खुद निकालने थे और इसी तरह से उसने नीचे आके बस ये बताया था कि एक यूनिट में कितने मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और एक यूनिट में कितने लेबर के घंटे इस्तेमाल होते हैं और मजीद इसी तरह की उसने चेंजेस बताई थी कि भाई एक्चुअल रेट्स में स्टैंडर्ड के मुकाबले में ऐसे ऐसे चेंजेस हैं तो इसी तरह से उस सवाल में भी बस यही था कि बस चेंजेस किसी में इजाफा है किसी में कमी है परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज यह बता के खामोश तो इस तरह का सवाल पहले सी ए फाइनल लेवल पर टेस्ट हो चुका है क्योंकि बेटा अब सी एम जो है यह मेच्योर हो चुका है कितने अरसे से तो सी एम टेस्ट हो रहा है तो ज़ाहिर है एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो ऐसा टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि बच्चा शायद पहले उससे नहीं गुजरा तो उसका एक हाल एग्जामिनर को आसान शायद ये नज़र आता है कि वो सी ए फाइनल के सवालों का रुख करता है तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ कैफ़ लेवल पे सी एम में और एमएफए में ये चीज़ बहुत दफ़ा देखी गई है कि एग्ज़ामिनर सीए फ़ाइनल के पेपर से चीज़ें उठा उठा के वो यहाँ पे ला के टेस्ट कर रहा है तो ये एक और इंस्टेंस है हमारे सामने अच्छा जहाँ तक इस सवाल की डिफ़िकल्टी लेवल का ताल्लुक है मैं कमेंट कर दूँ मेरे नज़दीक ये एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल है ये ऐसा ही है जैसे पजल मैथ्स टाइप चीज़ नहीं होती कि आप एक चीज़ सॉल्व करो एक वेरिएबल कैलकुलेट करो इट विल लीड टू द कैलकुलेशन ऑफ अन अदर वेरिएबल दूसरा करोगे उससे तीसरा वेरिएबल कैलकुलेट हो जाएगा तीसरा करोगे उससे चौथा कैलकुलेट हो जाएगा ये एक चेन सी बनती चली जाती है यानी कि एक ऑब्जेक्ट गिराएं तो अगले ऑब्जेक्ट गिरने शुरू हो जाए एक एक करके लेकिन आपको पता होना चाहिए कम अज़ कम कि आपको वेरिएबल्स चाहिए कौन कौन से बेटा बड़ा सिंपल सा इसका तरीका जो कि मैं इवन हर सवाल में बच्चे को कहता हूँ भाई रिक्वायरमेंट पढ़ो रिक्वायरमेंट में वेरिएंसेस पूछे हुए हैं वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो जो वेरिएबल्स चाहिए आप जब वो जहन में रखोगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और वो कहाँ कहाँ से कैलकुलेट होगी तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी हैंडल्ड मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था जब मैं पहले पंद्रह मिनट की डेमोस्ट्रेशन दे रहा था कि कैसे हैंडल करना है कि मैंने वो वाला सवाल इंटरेस्टिंगली या तो अपने बच्चों को करवा रहा होता हूँ या टेस्ट के ज़रिए से उनकी उनके हाथ से वो सवाल आ, गुजार देता हूँ और उसके बाद डिस्कस कर लेता हूँ ताकि उनको अंदाजा हो कि भाई इस लेवल पे भी टेस्टिंग हो जाती है और अगेन स्टूडेंट को प्रिपेयर इसी अंदाज़ में करना चाहिए क्योंकि दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ सी एम एज़ के एग्जामिनर इज़ नाउ लुकिंग टू द सी ए फाइनल लेवल अगेन मेरे वही कमेंट्स हैं जिन बच्चों ने उस सवाल को किया होगा उनके लिए ये सवाल आसान था लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए भी मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल सवाल था इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि आपको क्या ये पॉइंट क्लिक किया है या नहीं किया ठीक है तो मेरे नज़दीक मेरे कमेंट्स ये हैं कि जिसका अगर अब स्लाइटली अबव मॉडरेट तैयारी थी वो इसको कर सकता था क्योंकि निकालने तो वेरियंस तो ही है फार्मूले तो वही है अभी हम देखें सॉल्व करेंगे वही फार्मूलाज होंगे फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं होगा ठीक है इट्स ऑल अबाउट कि आप इस डाटा से किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो उन वेरिएबल्स को जो कि वेरिएंस की कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होंगे तो चूंकि उसने यहाँ पे फिक्स्ड uh, ओवरहेड के भी वेरिएंसेस पूछे हैं जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग और फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस है सो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आप एब्जॉर्बन कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ साथ तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेल्स का वॉल्यूम प्रॉफिट वेरियंस हमें चाहिए होगा हमें यह चीज जाननी होती है ना कि यह एंटिटी स्टैंडर्ड एब्जॉर्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रही है या स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग तो अगर तो स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो हो रही है तो सेल्स वॉल्यूम का कॉन्ट्रीब्यूशन वेरियंस कैलकुलेट किया जाता है और अगर स्टैंडर्ड एब्जॉर््पन कॉस्टिंग फॉलो की जा रही है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है किसके लिए सेल्स वॉल्यूम के वेरियंस के लिए तो चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड को हम इसके एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंसेस दोनों में जैसे आमतौर पर सवालों में होता है कॉस्टिंग या कॉस्टिंग फॉलो कर रही है तो ये एक इनफ इंडिकेशन है कि चूगे फिक्स के दो सब हैं एक्सपेंडिचर जिसको स्पेंडिंग भी बोलते हैं और वॉल्यूम और हम जानते हैं यह सब्जॉर्ब कॉस्टिंग में ही पॉसिबल है तो आए सर बिस्मिल्लाह करते हैं लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन जनाब सो हेडिंग वाइज चलते हैं सबसे पहले सेल्स का प्राइस वेरिएंस है जी हम फार्मूलाज लिखते हैं उसके बाद उनकी रिस्पेक्टिव वर्किंग्स शुरू करेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस ऐसा कि आप जानते हो ये प्राइसेस का फ़र्क है एक्चुअल प्राइस माइनस बजट प्राइस इन एक्चुअल क्वान्टिट्टी सोल्ड ये भी बच्चे आमतौर पर सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये हम शॉर्ट uh, जो शॉर्ट uh, फॉर्म लिख रहे होते हैं ये एक्सेप्टेबल है जी बिल्कुल वेरिएंस एनालिसिस में एक्चुअल प्राइस को आप ए पी और बजटेड प्राइस को बी पी लिख सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है ये एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजीज़ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप एग्जामिनर को बिल्कुल इसी तरह से बताएं तो सर सेल्स प्राइस वेरियंस हो गया इसी तरह से सेल्स वॉल्यूम का प्रॉफिट वेरियंस ये हमें कैलकुलेट करना है इसका फार्मूला क्या होता है एक्चुअल क्वान्टिटी सोल्ड माइनस क्योंकि वॉल्यूम्स का वेरिएंस है ना तो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस बजटेड सेल्स इन टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ठीक है सर तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकें तो मैं जो मेन फॉर्मूला है उसको बोल्ड कर देता हूं जनाब लेट्स स्टार्ट वर्किंग नंबर वन अब देखें मुझे इन फॉर्मूला से पता चला कि मुझे चाहिए क्या एक्चुअल प्राइस बजटेड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड बजटेड सेल्स और स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ऐसा ही है सर तो अगर मैं अपना डाटा एनालाइज करूं तो कुछ डाटा तो बड़ा बड़ा क्लियर है सामने पड़ा हुआ है जैसे ये देखो जो प्रोडक्शन और सेल्स है वो बराबर है दोनों अवेलेबल है दस हजार और ग्यारह हजार ठीक है और इंटरेस्टिंगली देखो सेल्स भी एक्चुअल और स्टैंडर्ड मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एक्चुअल प्राइस और बजटेड प्राइस तो बड़ी इजिली निकाल सकता हूं क्या ख्याल है तो सर यहां लिखते हैं एक्चुअल सेल रेवेन्यू रुपीज में और यहां लिखते हैं जी एक्चुअल सेल यूनिट्स इसको बोल देते हैं सर ए और इसको बोल देते हैं बी तो जब हम रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल प्राइस रुपीस पर यूनिट की सूरत में यानी के ए ओवर बी से तो सर एक्चुअल सेल रेवेन्यू हमारा कितना है जी एक्चुअल सेल रेवेन्यू है जी फोर्टी टू मिलियन का और एक्चुअल सेल यूनिट्स कितने है जी? सेल से हैं जी एक्चुअल सेल यूनिट्स हैं इलेवन थाउजेंड so if you divide both of these you will get the actual price 42 million divided by बाई एलेवन थाउजेंड दैट इज थ्री एट वन एट पॉइंट वन एट इसी तरह से हम जो बजटड प्राइस है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से सर बजट सेल रेवन्यू इसको मैं बोल देता हूँ सी और इसी तरह से budgeted सेल यूनिट्स इनको डिवाइड करके मुझे मिलेगी बजटड प्राइस यानी सी ओवर डी से और सर वैल्यूज में यहां से फैच कर लेता हूं सर बजटेड सेल रेवेन्यू कितना है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन और बजटेड यूनिट्स कितना है सर बजटेड यूनिट्स है हमारे पास दस हजार तो हमारे पास बजटेड प्राइस आ गई सर कितनी थ्री सेवन फाइव जीरो ठीक है सर तो दो वेरिएबल्स तो हमारे पास कैलकुलेट हो गए अब एक और वेरिएबल चाहिए स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट सर स्टैंडर्ड प्रॉफिट तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखें ना पूरे का पूरा कॉलम टोटल रुपीस में हमारे पास मौजूद है यहाँ से स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकल आएगा स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ दस हज़ार से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा इट्स सिंपल तो यहाँ पर स्टैंडर्ड या बजटेड प्रॉफिट मैं लिखता हूँ ठीक है सर इसको फॉर इंस्टेंस बोल देते हैं कि यह है, सर आपका ई e? ठीक है जी और यहाँ पे निकल आएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट रुपीज के अंदर ठीक है जी तो ये मैं एग्जामिनर को दिखाने के लिए यहाँ पे उसको बता देता हूँ कभी मैंने सेल्स में से सारे खर्चों को माइनस किया है ये देखें थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ सेल रेवेन्यू माइनस मटीरियल मिलियन माइनस लेबर कॉस्ट ऑफ सिक्स मिलियन माइनस वेरिएबल सॉरी ओवरहेड्स ऑफ थ्री पॉइंट वन मिलियन माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ 3.54 मिलियन ठीक हो गया सर आइए कैलकुलेट कर लेते हैं सर हमारे पास बजटेड प्रॉफिट फाइनली आ चुका है 1.3 मिलियन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बजटेड यूनिट्स के साथ तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ 1.30 ले सर अब पुट करते हैं वैल्यूज अपने वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज में और वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं सर क्या वैल्यूज हैं एक्चुअल प्राइस कितनी है हमारे पास थ्री एट थ्री एट वन एट पॉइंट वन एट माइनस बजटेड प्राइस ऑफ थ्री सेवन फाइव जीरो इन टू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी है इलेवन थाउजेंड ठीक है सर तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर लें हम सो द वैल्यू इज सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है सर और चूंकि एक्चुअल प्राइस बजटेड प्राइस से ज्यादा है सो इट इज फेवरेबल वेरिएंस क्योंकि ये एक्चुअल सेल प्राइस है ऐसा वेरिएंस जो कि आपके प्रॉफिट पे पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करे वो फेवरेबल वेरिएंस होता है और ऐसा वेरिएंस जो कि आपके प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करे यानी कि लॉस को कंट्रीब्यूट करे वो एडवर्स होता है तो ये चूंकि सेल्स का मामला है तो एक्चुअल सेल प्राइस ज्यादा है बजटेड से सो इट इज फेवरेबल वेरियंस

तो uh, मैं यूं करता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ बेटर प्रेजेंटेशन मैं ये जो वेरिएंसेस के फार्मूलाज हैं इसको एक शेड दे देता हूं ताकि डिस्टिंग रहे कि ये मैंने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं ये सिर्फ एक्सेल के हद हाँ तक है क्योंकि मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ पेपर में ज़ाहिर आप ये काम नहीं कर रहे होगे जस्ट टू कीप द वर्किंग्स सेपरेट फ्रॉम द मेन फार्मूलाज ठीक हो गया सर तो सेल्स के दो वेरिएंसेस तो हो गए कैलकुलेट सो लेट्स नाउ मूव टू द मटेरियल वेरिएंसेस तो सबसे पहले मैं इनके फॉर्मूलाज लिखता हूं सर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और मटेरियल का यूसेज वेरिएंस ठीक है सर फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड और अगेन अगर इन्वेंट्री uh, लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं है तो परचेज और यूज बराबर होते हैं यहाँ पे कोई इन्वेंट्री लेवल्स का मामला नहीं है तो जो परचेज और यूज हैं वो एक ही होंगे और जहाँ तक यूसेज वेरियस का ताल्लुक है इसमें हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड को स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड से कंपेयर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं सर स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट से दैट्स हाउ वी डू इट तो अब अगेन इसके लिए जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए उसके लिए मुझे वर्किंग्स परफॉर्म करनी होंगी आए सर वर्किंग शुरू करते हैं वर्किंग नंबर टू अब देखिए स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं मुझे उसने डाटा दिया है वो ये कह रहा है कि एक यूनिट बनाने में दस के स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होते हैं तो मैं ईजीली टोटल स्टैंडर्ड के निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हैं स्टैंडर्ड के पर यूनिट भी हैं तो टोटल स्टैंडर्ड के जीज निकलाए और उसके बाद मेरे पास स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है तो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड मटेरियल केजीज इनको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड रेट क्योंकि इट्स क्वाइट सिंपल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ओवर स्टैंडर्ड मटेरियल के तो वहां से स्टैंडर्ड रेट निकलाएगा फिर उसके बाद जैसे वो बता रहा है कि जहां तक एक्चुअल रेट का ताल्लुक है उसमें रिडक्शन आई है तो हम रिडक्शन इनको ऑपरेट करके एक्चुअल रेट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद मजीद जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे वो हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो देखें अब हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट है उसने सवाल में दिए हुए हैं वो है दस और जो बजटेड यूनिट्स हैं वो है दस हजार तो अगर मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट को P और बजटेड यूनिट्स को Q कह दूं तो P इंटू क्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी केजीज में एग्रीड? वॉट विल बी दैट दैट विल बी वन लैख के स्टैंडर्ड तो सर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है स्टैंडर्ड मटेरियल इन के है सर स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं क्या ख्याल है सो लेट्स कैलकुलेट नाउ द स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल ये देखें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ओवर इसको बेशक आपने रिप्रोड्यूस करना है तो कर लें कोई हर्ज नहीं है स्टैंडर्ड टोटल क्वान्टिटी तो सर स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट कितनी है सवाल के अंदर ट्वेंटी टू मिलियन और स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी कितनी निकाली सर एक लाख सो लेट्स डिवाइड इसको मैं कह देता हूँ आर और इसको बोल देते हैं एस तो आर ओवर एस निकाल सकते हैं क्या स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट जैसे हमें मुनासिब लगे रुपीज़ पर के जी ठीक है सर तो सर हमारे पास कैलकुलेट हो गया स्टैंडर्ड प्राइस और अब एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे कैलकुलेट होगा सर स्टैंडर्ड प्राइस इन टू पॉइंट नाइन उसने क्योंकि यही बताया हुआ है कि एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से दस फीसद कम थी तो आए सर कैलकुलेट करते हैं सो द वैल्यू इज़ टू ज़ीरो फाइव पॉइंट टू तो ये देखें अगेन जो मुझे फाइनल वैल्यूज़ चाहिए जो कि मैंने ऊपर फॉमूलाज में डालनी है उसको मैंने बोल्ड कर दिया है प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए तो अभी एक्चुअल प्राइस आ गई स्टैंडर्ड प्राइस आ गई एक मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड भी चाहिए सर वो भी निकलेगी वो तो कोई मसला नहीं है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं ये देखें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यूनिट से जो कि हमें हम मालूम है कि वो ग्यारह हज़ार हैं लेट्स मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज इसको मैं टी बोल देता हूँ और इसको मैं यू बोल देता हूँ तो टी इन यू सर मेरे पास क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड ठीक है सर ये सारी चीजें ये जो मैं एक कॉलम की सूरत में बना रहा हूं आपको अगर दिल कर रहा है आप ये फॉर्मूलास की सूरत में भी कर सकते हो जैसे ये देखो मैंने अभी ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कैलकुलेट की है आप पेपर पे जब कर रहे होते हैं तो आप आधी होते हैं ऐसे सॉल्व करने के स्टैंडर्ड क्वान्टिटी अलाउड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वान्टिटी पर यूनिट इंटू एक्चुअल आप ऐसे सॉल्व कर लें कोई हर्ज नहीं है ये देखें यहाँ पे आप वैल्यूज लिख दें दस इन टू ग्यारह लाख दस आप ऐसे कर लो मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ एक्सेल में ये तो प्रेजेंटेशन है जैसे मर्जी प्रेजेंट कर लें तो बहरहाल मैंने मुनासिब समझा कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर लें तो इसमें परेशान ना हुआ करें बहुत से तरीके होते हैं सी एम ए के अंदर चीज़ों को प्रेजेंट करने के ठीक हो गया सर तो अभी तक मैंने तीन वेरिएबल्स फाइंड आउट किए हैं स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड एक और चीज़ चाहिए और वो है सर एक्चुअल क्वांटिटी सर एक्चुअल क्वांटिटी भी निकल सकती है ये देखें जब एक्चुअल प्राइस पर केजी है और एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है मटेरियल की तो सर बड़ा सिंपल है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट पर केजी सर यहाँ से एक्चुअल केजीज भी निकलेंगे क्या ख्याल है आए कैलकुलेट करते हैं ये देखें एक्चुअल मटेरियल करेंगे सर एक्चुअल प्राइस से ऐसा ही है ना एक्चुअल प्राइस से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक्चुअल मटीरियल इन के तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कितनी है सर 25.21 मिलियन यहाँ लिखते हैं जी और एक्चुअल प्राइस कितनी है हमने अभी कैलकुलेट की है 205.2 ठीक है सर तो अब हम यू करते हैं कि हम इनको सिंबल्स अलॉट कर देते हैं जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है इसको मैं कहता हूं एक्स और अगर मैं एक्चुअल प्राइस को वाई कह दू तो एक्स ओवर वाई यहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगा सर एक्चुअल मटेरियल यानी एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है ना इसको हम एक्चुअल क्वांटिटी बोलेंगे यही यूज है यही परचेज है तो सर लेट्स मूव अब ये वैल्यूज पुट करते हैं और वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं जी सर एक्चुअल प्राइस क्या है 205.2 स्टैंडर्ड प्राइस क्या है जी 228 ट्वेंटी एट इन एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जी हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी अभी कैलकुलेट की न डबल टू एट डबल फाइव वन डबल टू एट डबल फाइव पॉइंट सेवन फाइव ठीक हो गया सर तो आए इसको कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू हमारी बनती है लेट्स कैलकुलेट इट सेपरेटली सर तो ये वैल्यू बन गई रुपीज टू एट ज़ीरो वन ट्रिपल वन ठीक है सर चूंकि एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से कम है और ये मटेरियल कॉस्ट का मामला है तो एक्चुअल प्राइस हमें कम पड़ी सो इट इज फेवरेबल वेरिएंस ठीक है सर लाइकवाइज मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं सर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड अभी हमने निकाली कितनी वन डबल टू एट डबल फाइव पॉइंट सेवन फाइव माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड है एक लाख स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है सर हमारे पास टू ट्वेंटी एट लेट्स सो द वैल्यू इज टू नाइन थ्री वन ट्रिपल वन और जितने केजीज अलाउड थे यानी एक लाख दस हजार उसके मुकाबले में आपने एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल की सो इट इज एन एडवर्स वेरिएंस. ठीक है सर तो हमारे पास अब मटेरियल के भी दोनों वेरिएंसेस कैलकुलेट हो चुके हैं तो देख रहे हैं आप किस तरह से वेरिएबल्स फाइंड आउट करके इस पूरे डाटा सेट में से यू विल बी इन अ पोजिशन के आप वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सक रहे हो जनाब लेट्स नाउ मूव टू द लेबर वेरिएंसेस और मजे की बात है वो भी इसी साइकिल से कैलकुलेट होंगे इसी साइकिल से मुराद क्या है कि इसी तरह से यहां पे देखो मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टोटल आवर्स कैलकुलेट हो रहे होंगे फिर आप स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर रहे हो फिर एक्चुअल रेट और वही पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा क्योंकि उसी तरह से उसने डाटा दिया हुआ तो अगर मटीरियल हो गया लेबर मुफ्त के मार्क्स हैं ठीक है सर तो उसी तरह से पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ लेबर का रेट वेरियंस फार्मूला क्या है एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल ऑर्स पेड और इसी तरह से लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस वो क्या होता है सर एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्ज अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट तो सर बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर वर्किंग की है मैं नीचे भी वर्किंग परफॉर्म करता हूँ चूंकि एक्सेल है मैं इसका थोड़ा फायदा उठा लेता हूँ और ये सारी वर्किंग ना मैं नीचे कॉपी पेस्ट करने लगाऊँ ठीक है जी सर स्टैंडर्ड और पर यूनिट हमारे पास कितने हैं दो बजटेड यूनिट्स कितने हैं दस हज़ार तो जब हम दो को दस हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हमारे पास स्टैंडर्ड और कैलकुलेट हो जाएंगे मैं सिंबल दे देता हूँ इसको जी और इसको एच तो जी इंटू एच से हम स्टैंडर्ड और कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगेन आप इसको इक्वेशन की सूरत में भी लिख सकते हो कोई हर्ज नहीं है तो स्टैंडर्ड और आ गया अब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट यूज़ करते हुए मैं स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट कर लेता हूं सर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी है इट इज़ सिक्स सेवन सिक्स ज़ीरो ट्रिपल जीरो और स्टैंडर्ड और हमारे पास कितने हैं बीस हज़ार तो इसको आई और इसको जे बोल देते हैं तो सर आई ओवर जे से मेरे पास स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स मिलियन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थाउजेंड इट विल बी द स्टैंडर्ड रेट ऑफ थ्री थर्टी एट और यहाँ पे एक्चुअल रेट का काम डिफरेंट है यहाँ पे एक्चुअल रेट ज़्यादा है आठ फीसद से ऐसे ही है ना सर तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड रेट इंटू वन पॉइंट जीरो एट तो सर व्हाट इज़ द एक्चुअल रेट 338 थर्टी एट इंटू एंड द वैल्यू इज 365.04 ठीक हो गया सर दो वैल्यूज निकल आई एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट अब दो मजीद वैल्यूज निकालनी है एक तो स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्स अलाउड सर इंतहा सिंपल दो घंटे पर यूनिट है एक्चुअल आउटपुट क्या है सर ग्यारह हजार तो क्या कैलकुलेट होगा बाईस हजार होगा हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्स अलाउड इसको के और इसको एल बोल देता हूँ तो के इन टू एल से मेरे पास निकलाएगा क्या स्टैंडर्ड वर्किंग ऑवर तीसरा वेरिएबल भी मेरे पास कैलकुलेट हो गया ठीक है सर अब एक्चुअल ऑर्स चाहिए तो सर हमारे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी है और कॉस्ट पर ऑर भी है यहां कैलकुलेट हो जाएंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी है सर हमारे पास हैलकुलेट किया है रेट नाउ बाई डिडिंग सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स फाइव मिलियन विद्री सिक्सटी फाइव पॉइंट जीरो फोर एंड द आंसर इज 19,080.1 एक्चुअल ऑर्स, ठीक है सर तो चारों वेरिएबल्स अब हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं आए आप वेरियंस इस कैलकुलेट करते हैं सर रेट वेरियंस एक्चुअल रेट कितना है मेरा 365.04 माइनस 338 इनटू एक्चुअल ऑर्स जो कि कितने हैं हमारे पास 19,080.1 ठीक है जी मैं इसको जरा सेपरेटली कैलकुलेट कर लूं जरा सो द आंसर इज 515925 तो इसको हम सिक्स कर सकते हैं अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो ठीक है सर तो चूंकि एक्चुअल रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा है और मामला लेबर कॉस्ट का है सो इट इज एडवर्स वेरियंस ठीक है सर तो अब हम मूव करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस पे एक्चुअल ऑर्स वर्सेस स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्स अलाउड सर एक्चुअल आवर्स 19080.1 है माइनस स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्स कितने हैं सर स्टैंडर्ड वर्किंग ऑर्स हैं 22000 22000 स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास सर 338 आइए सर कैलकुलेट करते हैं सो द आंसर इज नाइन एट सिक्स नाइन टू इसको भी सिक्स कर देते हैं राउंड ऑफ कर देते हैं तो सर जितने वर्किंग आवर्स अलाउड थे उसके मुकाबले में एक्चुअल आवर्स कम यूटिलाइज हुए सो इट इज फेवरेबल वेरिएंस ठीक है सर तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो कि मटेरियल के लिए मैंने फॉलो किए थे मैंने लेबर के वेरिएंसेस भी कैलकुलेट कर लिए हैं ठीक है सर तो अब मेरे पास सिर्फ ओवरहेड्स के वेरियंस रह गए हैं वेरिएबल ओवरहेड का एफिशियंसी और एक्सपेंडिचर और फिक्स ओवरहेड का स्पेंडिंग और वॉल्यूम वेरियंस सर अब चलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस की तरफ ये देखें सीक्वेंस में हमारे पास अगला है फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंस तो आए सर बिसम्ला करते हैं आ, मैं यही सेक्शन जो है वो हाईलाइटेड जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं सर पहला कौन सा है फिक्स्ड ओवर हेड का स्पेंडिंग वेरियंस जो कि ज़ाहिर है एक्सपेंडिचर वेरियंस कहलाता है और इसके फार्मूला भी लिख और इसका फार्मूला भी लिखते हैं पहले ज़रा मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर लो इस तरह फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस सर फिक्स्ड ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस तो अंतहाई आसान होता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का मुकाबला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से सो ए एफ ओ एच माइनस बी एफ ओ एच जहां तक फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस का ताल्लुक है हम अब्सॉर्ब्ड एफ ओ एच को बजटेड एफ ओ एच से कंपेयर करते हैं यानी बी एफ ओ एच वर्सेस अब्सॉर्ब्ड एफ ओ एच ठीक है सर हमने सिर्फ कंपैरिजन देखना होता है बाकी जहां तक इस चीज़ का वेरिएंस तो कि एडवर्स है किस को बाद में बस ये जहन में हो कि आपने मवाजना और कंपैरिजन किन दो वेरिएबल्स का करना ठीक है सर तो ये फार्मूलाज मेरे पास आ गए जहां तक तो सर ओवरहेड के स्पेंडिंग वेरिएंस का ताल्लुक है ये तो कैलकुलेट हुआ है पहले से ही सर गिवन वैल्यूज हैं उठाना है प्लेस करना है कैलकुलेट कर लेना है ये देखो एक्चुअल फिक्स ओवर कितने हैं तुम्हारे पास 2.9 मिलियन लिखें सर यहाँ पे 2.9 मिलियन माइनस बजटेड फिक्सड ओवर कितने हैं 3.1 मिलियन सर कैलकुलेट हो गया ये कितना बनता है ये इन दोनों का फर्क बनता है पॉइंट मिलियन यानी दो लाख रुपया तो सर बजटेड फिक्सड ओवर के मुकाबले में एक्चुअल फिक्सड ओवर कम है कम खर्चा हुआ है सो इट इज़ फेवरेबल वेरियंस ठीक है सर क्या ख्याल है सो इट इज वेरी इजी हां जहां तक वॉल्यूम वेरिएंस का ताल्लुक है तो ये दो चीजों का कंपैरिजन है बजटेड का और एब्जॉर्ब का सर जहां तक तो बजटेड का ताल्लुक है वो तो इंफॉर्मेशन मेरे पास है 3.1 मिलियन ऐसा ही है सर जहां तक एब्जॉर्ब का ताल्लुक है ये मुझे एक छोटी सी वर्किंग के जरिए से कैलकुलेट करना पड़ेगा यू शुड नो कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वर्किंग नंबर फोर द फॉर्मूला इज एफ ओ ए आर इन टू स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स अलाउड यानी सबसे पहले मुझे एफ ओ ए आर चाहिए यानी कि फिक्स ओवर एड के एब्जॉर्प्शन रेट इन टू स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स अलाउड जो कि इंटरेस्टिंगली मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मेरे पास क्या आता है सर मेरे पास आता है एब्जॉर्ब एफ ओ एच ठीक है सर तो जहां तक स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स अलाउड का ताल्लुक है मैं वर्किंग नंबर थ्री का रेफरेंस देता हूँ और यहाँ पर पे उसको पेस्ट कर लेता हूँ ये देखें कितने निकाले हैं मैंने? है, सर? और, जो है, वो कैसे निकलेगा सर बड़ा आसान है क्या तरीके कार होता है ये मैं आगे लिखता हूँ एक्टिविटी यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ बजटेड एक्टिविटी क्या है हमारी सर लेबर आवर्स ये देखें प्रीडि रेट किस बेस पे होता है लेबर आवर्स की बेसिस पे तो सर मेरे पास बजटेड आवर्स मौजूद हैं मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुका हुआ हूँ ऐसा ही है ना सर बजटेड फिक्सड ओवर कितने हैं हमारे पास थ्री पॉइंट वन मिलियन ओवर बजटेड ऑर्स मैंने वर्किंग नंबर थ्री में कैलकुलेट किए हुए हैं ये देखें सर बजटेड ऑर्स कितने हैं बजटेड ऑर्स हैं बीस हजार ठीक है इधर प्लेस करें ओवर बीस हजार रेफरेंस दें वर्किंग थ्री का लेट्स कैलकुलेट थ्री पॉइंट वन मिलियन ओवर ट्वेंटी थाउजेंड सो द एफ ओ ए आर इज वन फिफ्टी फाइव सो इफ आई मल्टीप्लाई वन फिफ्टी फाइवेंड आई गेट वॉट आई गेट एफ ऑफ थ्री पॉइंट करते हैं इसको उपर, 3 .41 million. तो सर यहाँ पे पहले तो करेंगे कैलकुलेशन उसके बाद एनालिसिस करेंगे फेवरेबल का सर द वैल्यू इज थ्री पॉइंट फोर वन मिलियन माइनस

आप एब्जॉर्ब फिक्स को एक्चुअल से कंपेयर करते हो अगर एक्चुअल से ज्यादा है तो ये ओवर एब्जॉर्ब है और इट इज फेवरेबल और अगर एब्जॉर्ब्शन एक्चुअल से कम है ये अंडर एब्जॉर्ब है और ये एडवर्स है बिल्कुल अब यहाँ पे क्या है यहां पे यह देखें इसी यही जो एब्जॉर्ब है इसका अब मुकाबला एक्चुअल से नहीं है बजट से है ओवरहेड्स नहीं

तो मजीद दो वेरियंसिस कैलकुलेट हो गए फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स वेरिएबल ओवरहेड वेरिए और ये सर बिल्कुल आसान है क्योंकि सारे घंटों की वर्किंग तो हमने लेबर के में कैलकुलेट कर ली सिर्फ रेट्स ने कैलकुलेट होना है तो आए सर ये जो लेबर के वेरियंसिस है ना इसी को मैं कॉपी करके यहां नीचे वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए पेस्ट कर लेता हूं सर वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरियंस ठीक है सर यही फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेट वर्सेज स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल ऑर्ज वर्क होता है और ये जो स्टैंडर्ड रेट है इट इज वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉप रेट ठीक है सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं आपको बता रहा हूं इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरियंट सर उन्हीं घंटों की हम एफिशिएंसी देख रहे होते हैं जो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं बस फर्क ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा होता है स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड रेट किसका वेरिएबल ओवर का यानी वेरिएबल ओ से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं यानी कि सिर्फ रेट्स का फर्क होता है बाकी घंटे वही होते हैं ठीक है सर तो सर आए रेट्स कैलकुलेट करते हैं बाकी सारा काम तो हमारा पहले से हुआ हुआ है रेट्स कैसे कैलकुलेट होने हैं सर इंतहाई आसान एक्चुअल वेरिएबल ओवर अवेलेबल हैं एक्चुअल ऑर्स भी अवेलेबल है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स भी अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड ऑर्स भी अवेलेबल है सिर्फ डिवीजन करनी है रेट्स आ जाएंगे तो सर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड किससे करेंगे एक्चुअल ऑर से ठीक है सर और हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का रूपीज पर और इसी तरह से इसको कॉपी कर रहा हूं नीचे के लिए बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स ओवर बजटेड या स्टैंडर्ड और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आएं सर स्टैंडर्ड रेट आए सर वैल्यूज पुट करते हैं एक्चुअल वेरिएबल ओवर मेरे पास कितने हैं थ्री पॉइंट नाइन फोर नाइन मिलियन थ्री पॉइंट नाइन फोर नाइन मिलियन और एक्चुअल ऑर्स मैंने कितने निकाले थे वर्किंग नंबर थ्री में आए जी ऊपर जाके देखते हैं एक्चुअल ऑर्स हैं जी ये वन नाइन जीरो एट जीरो पॉइंट वन वन नाइन जीरो एट जीरो पॉइंट तो ले सर डिवाइड करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं सो द आंसर इज़ टू जीरो सिक्स पॉइंट नाइन सेवन एक ये रेट आ गया अब बजटेड वेरिएबल ओवर देखते हैं सर कितने हैं हमारे पास दीज आर थ्री पॉइंट फाइव फोर मिलियन थ्री पॉइंट फाइव फोर मिलियन ओवर बजटेड ऑर्स ये भी हमने कैलकुलेट किए वर्किंग नंबर थ्री में आई जी देखते हैं बजटेड ऑर्स कितने हैं जी हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड है

तो सर यहां से कैलकुलेट कर लेंगे वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस लेट्स कैलकुलेट सो द आंसर इज रुपीज फाइव सेवन वन एट डबल टू और सर सिंस एक्चुअल रेट इज हायर देन द स्टैंडर्ड रेट तो ये एडवर्स वेरिएंस है क्योंकि ये वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट का मामला है सो एक्चुअल रेट ज्यादा होने की वजह से एडवर्स वेरिएंस है इसी तरह से हम एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं वही घंटे जो मैंने लेबर एफिशिएंसी में यूज किए थे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वही एक्चुअल और स्टैंडर्ड वर्किंग अलाउड सिर्फ रेट का फर्क होगा सो आई एम जस्ट डूइंग द कॉपी पेस्ट थिंग नहीं सर सिर्फ स्टैंडर्ड रेट का फर्क है और वो स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा वन सेवनटी सेवन ठीक है सर सो लेट्स कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ताकि हम यहाँ पर उसको प्लेस कर सके सो द आंसर इज़ फाइव वन सिक्स एट डबल टू और चूंकि स्टैंडर्ड वर्किंग के मुकाबले में जो कि अलाउड थे आपने एक्चुअल कम यूटिलाइज किए हैं तो आपने फायदा किया इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस ठीक है सर तो हमारे पास सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए हैं आपने देखा कि किस तरह से आपने टोटल वैल्यूज को यूज़ करते हुए और सिर्फ डाटा किसका यूज़ किया उसके बाद जो चेंजेस का उसने दिया हुआ है वो भी सिर्फ दो चीज़ों की चेंजेस का उसने जिक्र किया है कि जो मटेरियल का रेट है उसमें चेंज लेबर का जो रेट है उसमें चेंज बाकी उसने सिर्फ स्टैंडर्ड डाटा दिया है किस चीज़ का कि भाई एक यूनिट में मटीरियल कितना इस्तेमाल हुआ और घंटे कितने इस्तेमाल हुए उससे देखें सारी की सारी वर्किंग्स कैलकुलेट हो गई हैं सारे के सारे वेरियंसिस कैलकुलेट हो गए तो अगेन इट वाज ऑल अबाउट कि ये पॉइंट आपको क्लिक होता है कि नहीं होता है मेरे नजदीक इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट के इर्द गिर्द है ना बहुत डिफिकल्ट है ना बिल्कुल बेसिक लेवल का है सो so, एक अच्छा सवाल है जिस सवाल की कॉपी है मैंने उसकी भी आपको निशानदही कर दी है सो so, सारे का सारा सवाल हो चुका हुआ है प्लीज टेक योर टाइम एंड गेट द स्क्रीन जी फ्रॉम द बिगनिंग मैं दिखा रहा हूं आपको